हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास एट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 3A को पढ़ा गया, 3A को सॉल्व किया गया। उम्मीद है आपको फेयर कॉपी में भी इसको कंप्लीट कर लिए होंगे और समझ में भी आया होगा। आइए अब हम लोग जो है 3B पे चलते हैं। 3B का फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर। दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। ओके स्टूडेंट, हमारा नंबर है 2916। ओके, आइए प्राइम, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या है लगाने के लिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2916 प्राइम फैक्टर अगर हम इसका करेंगे 2 1 2 4 8 2 5 10 2 8 16 2 7 14 2 2 4 2 9 18। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 3 4 12 3 3 9 फिर 3 से फिर जाएगा 3 8 24 3 1 जा ओके 3 से करेंगे तो 27 एंड अगेन 3 9 एंड अगेन 9 एंड अगेन 1। अब इसको हम इसका फैक्टर हम लिख पाएंगे, हमको स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट हम लगा लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर को लिख लिया जाए 2 into 2 into 3 into 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हमने फैक्टराइज करके इसको लिख लिया। स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पेयर बनाया जाता है, पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। ओके स्टूडेंट, तो 1 पेयर के लिए 1 2 बाहर आएगा, फिर 3 and 3 and 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54 ये आपका स्क्वायर स्टूडेंट आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का एक सेकेंड पार्ट है, ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट को देखा जाए अगर, एक स्क्वायर रूट और निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको 2704। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है होगा हमको, 2704 प्राइम फैक्टर किया जाए, 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 2 जा 4 ओके 2 से 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 6 जा 12 अगेन 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 8 जा 16 फिर अगेन 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 जा 18 6 and 7 आई थिंक 13 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइज हमने कर लिया, इसको क्या लिखा जा सकता है, फैक्टर के रूप में लिख लिया जाए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 into 2 into 2 into 2 into 13 into 13 अगेन इसका हम पेयरिंग करेंगे, पेयर का 2 1 पेयर 2 पेयर एंड 3rd पेयर 2 and 13 ओके मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4 4 13 जा 52 ये आपका स्क्वायर रूट निकल के सामने आ गया। ये फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर निकालने की का सलूशन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पे जल्दी से, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2nd, आप वीडियो को पॉज करके उस बटन को दबाकर इसको नोट करते रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। स्क्वायर रूट ही निकालना है, लेकिन ये रेशनल नंबर में दिया है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, प्राइम फैक्टर का ही यूज करके बनाना है रूट को। सेकंड से फर्स्ट को चला जाएगा 25/49। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे हम 25 का, अगर किया जाए तो 5 5, ठीक, 49 का भी साथ में कर लिया जाए, 7 से डिवाइड होगा, 7 और जाएगा 7। ओके, प्राइम फैक्टर हमने कर लिया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 × 5/7×7। अब जब भी इसका ग्रुपिंग किया जाएगा तो 5 × 5 = 7। ओके स्टूडेंट, ये आपका स्क्वायर रूट निकल के सामने आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है आपका 196/484। ओके स्टूडेंट, स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 196 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 8 = 2 9 = 18, 1 2 8 = 16, 2 4 = 8 2 9 = 18 7। ओके, एंड 484 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 2 = 2 4 = 2 2 2 1 = 2 2 = 1। ओके, 11 से जाएगा 11 से अगेन, ये आपका जो है प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, 2 × 2 × 7 × 7। ओके, एंड 2 × 2 × 11 × 11। अब रूट बाहर, रूट से बाहर होगा तो पेयर का वन डिजिट बाहर आता है, तो ये ग्रुप हो गया, ये पेयर हो गया, इधर पेयर, ये पेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 × 7/2 × 11, एंड 2 7 = 14/11 × 22। ओके, 2 से अगर कैंसिल कर दिया जाए, 2 7 = 2 11। ओके, तो इस तरह से आप इसके बाद के सारे पार्ट सेल्फ कर लेंगे। एक पार्ट हम और लगवा दे रहे हैं, ये आपका स्क्वायर रूट हुआ। ओके, एक पार्ट और हम डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल को भी देख लिया जाए। फिफ्थ पार्ट, इसी का फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम लोग, 0.1 1 2 3 4 5 1 0 more 7 1 2 3 4 5 6 49 49। ये नंबर है आपका स्क्वायर रूट, हम निकालेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए पहले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, 49/ डेसिमल यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम इसका निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर रूट निकालना है हम लोग, प्राइम फैक्टर कर लिया जाए, तो 7 × 7/ इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 7 यहाँ पे बाहर आएगा, और ये 1 2 3 4। ओके, 1 0 यहाँ पे छूट रहा था, ओके, तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फिर से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, डेसिमल यहाँ आके लग जाएगा। ये आपका स्क्वायर रूट दिए गए नंबर का निकल जाएगा, डेसिमल का। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर रहा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और बाकी जो पार्ट बच रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे।
और जो जिसका आंसर नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लेंगे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। दिए गए नंबर का फर्स्ट है आपका अंडर रूट 5² - 4² ओके, 5² - 4² इसको सॉल्व करने के लिए हमने कल के इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जब भी इसको निकाला जाता तो ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, क्योंकि ये आपके कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है तो ये आपके हो जाएंगे 5 + 4 ओके, ये आपका आ जाएगा 9 एंड इसका फैक्टराइज कर देंगे 3 × 3 ओके एंड लास्ट फाइनल आंसर 3। इस तरह से आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, अगर प्लस में दिया है तब क्या होगा, 5² + 12² तो क्योंकि जो प्रॉपर्टी लगती है वो माइनस होने पे लगती है, तो माइनस यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हमको सिंपली करना पड़ेगा 25 + 144 ओके स्टूडेंट, इसको ऐड कर लेंगे जरा तो 9 × 4 × 2 = 169 इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे 160 को तो 13 × 13 = 13 ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया दिए गए नंबर का, आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसके पहले हम लोग स्क्वायर रूट जो निकाला जाता था उसको प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ में दिया हुआ है, स्क्वायर रूट निकालने हैं लेकिन इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने हैं। तो हम लोग जानते हैं, एक बात बता दें कि जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो उसके दो मेथड होते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड रूल्स हैं, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड डिवीजन मेथड ओके। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको डिवीजन मेथड ही सीखना है। तो डिवीजन मेथड में कुछ इसका जो प्रोसेस होता है डिवीजन की तरह होता है, इस तरह से इसका नाम डिवीजन मेथड रख दिया गया है ओके। तो सबसे पहले नंबर को लिखते हैं और इस तरह से प्रारूप बनाते हैं ओके। बनाने के बाद इसमें पेयरिंग किया जाता है, पेयर बना लेते हैं यहाँ से यहाँ से। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर है 67, अब ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई खुद में मल्टीप्लाई स्क्वायर किया जाता है, ऐसे डिजिट का स्क्वायर किया जाता है ताकि 67 आ जाए। अगर 67 ना आए तो उससे अधिक नहीं ना हो, बिल्कुल जैसे डिवाइड प्रक्रिया किया जाता है, डिवाइड किया जाता है उसी तरह, मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन सा डिजिट है, अगर देखा जाए 8 को 8 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अगर सपोज 9 का अगर हम करते हैं तो 9 × 9 = 81 जो कि 67 से अधिक हो जा रहा है। इस नाते हम जो है 8 से यहाँ पे करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 8 बार करेंगे तो 64 आएगा ओके। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे डिवाइड में किया जाता है, यहाँ पे बचेगा आपका 3 ओके। और ये पेयर अगले स्टेप में इसको यहाँ पे हम उतार देंगे और यहाँ पे जो आएगा जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उतना यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, ये हो जाएगा आपका 16 ओके। अब मल्टीप्लाई हमको यहाँ पे ऐसा करना है कि यहाँ पे जो डिजिट उतारेंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा ओके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 ले रहे हैं, 16 है हमारा, जैसे ही हमने 2 लिया तो ये 162 हो गया और इसका मल्टीप्लाई 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 = 12 × 2 = 1 = 3 हम देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 रखने से 2 बार मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो 324 आ गया। अगर सपोज दैट मान लीजिए अगर इससे नहीं आया होता तो 160 मान लो 3 अगर हम लेते तो 3 बार मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ पे 5 लिया जाता तो 5 बार मल्टीप्लाई किया जाता। ऐसे ही ऐसी डिजिट को यहाँ पे उतारा जाता है और ये चीजें जो है सेट होती है अपने माइंड से उतारा जाता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वैल्यू आ जाए। तो 2 आने से 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारा ये
324 आ चुका है। अब इसके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो बचेगा और हमारा प्रोसेस यही पे बंद हो जाएगा। टू बार मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे टू उतारेंगे। ओके, तो अब इस डिवीजन मेथड से इसका जो स्क्वायर रूट निकला है वो 82 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज इक्वल टू 82। बस यहाँ पे ये डिवीजन प्रोसेस आपको दिखाना होगा क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही लगा हुआ। एक क्वेश्चन हम और आपको समझाएंगे, इसी का सेकेंड पार्ट देख लिया जाए। सेकेंड पार्ट है आपका 7921। ओके, अब देखा जाए इसको, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आइए, तो चलिए निकाला जाए 7921। स्ट्रक्चर बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पेयर क्या हमारा 79। अब कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका खुद में मल्टीप्लाई करने पे 79 आ रहा? अगर 79 ना आए तो उससे अधिक ना हो, तो 8 8 जा 64 9 9 जा 81। तो जाहिर सी बात है 8 बांधने जाएंगे हम, 8 8 जा 64, इसको 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा एंड 1 बचेगा। अब यहाँ पे दूसरा पेयर उतारेंगे हम तो 15 21, यहाँ पे 8 लिखकर ऐड करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जाए कि उतनी बार मल्टीप्लाई करने पे 15 21 आ जाए। ओके, तो आई होप 16 15 21 है। तो अगर 9 ले लिया जाए तो 9 9 जा 81। ओके, कैरी वन 8 आ गया, 9 6 जा 54 एंड 8 9 6 जा 81 54 एंड 8 ये 12 आएगा आपका, 62 आ जाएगा, 62 का 2 आएगा, कैरी 6 आएगा, 9 1 9 और 6 15। ओके, तो 9 बार में हम देख रहे हैं कि 15 21 आ जा रहा है। ओके, आप रिमाइंडर देखेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्रोसेस यहीं पे फिनिश हो जाएगा। मीन्स 7921 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 81 होगा। इस तरह से 89। ओके, इस तरह से हमारा ये स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से 89 आया। अब स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद का थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट ये सेल्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, यही चीज निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब स्क्वायर रूट ही निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। ओके, लेकिन यहाँ पे नंबर हमको डेसिमल में मिल रहे हैं। आइए डेसिमल का भी हम लोग सीख लें। इसको हम इरेज कर रहे हैं, इस वीडियो को आप रोक कर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है आपका 45 56 56.25। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया जाए तो सेम प्रोसेस होता है, बस डेसिमल लगा हुआ है। जहां डेसिमल है, जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको ऊपर भेज देंगे। ओके, पेयरिंग कर लिया जाए, ये वो फर्स्ट पेयर फर्स्ट, और इधर से हम दसों के लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हैं। ओके, पेयर बन गया। अब चलिए देखा जाए, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। 45 56.25। ओके, आइए फर्स्ट पेयर आप बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर में आपका 45 है, कितनी बार जाएगा? अगर 5 बार 5 5 6 7
8 बार में तो अधिक हो जाएगा, 7 बार में, 7 में भी अधिक हो जाएगा, 6 बार में ले चलेंगे, 6 6 जा 36, ओके सब तय किया जाएगा, 15 से 6 जाएगा तो 9 और 3, अब 6 को ऐड करेंगे यहाँ पे 12 आएगा एंड 56 यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट उतारा जाए कि 956 आ जाए, तो आइए 12 अगर हम 7 को उतारें तो 7 बार अगर मल्टीप्लाई करें आई थिंक यही आएगा, अगर एक बार और देख लें 128 अधिक हो जा रहा है, यानी कि ये 7 बार में जाएगा क्योंकि रूल कहता है कि अधिक नहीं होना चाहिए, 7 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7889 आया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16, 7 बचेगा एंड 14 आया, 14 से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ये तो कह रही ठीक है। अब डेसिमल इसके सामने अब क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे इसको लिख लिया जाए, फिर ऐड करेंगे 4 1 1, ओके डेसिमल यहाँ आ रहा है तो डेसिमल को इधर पॉइंट ऊपर बढ़ाएंगे एंड 25 उतार लेंगे, ओके अब यहाँ पे कौन सा नंबर उतारा जाए कि हमारा 6725 आ जाए, मीन 13 4 5 ले लिया जाए, 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे यस 5 पर ले जाएंगे, मीन्स यहाँ पे 5 उतारेंगे, 5 पर मल्टीप्लाई हुआ है 6725, ओके स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो कितनी बार मल्टीप्लाई किए 5 बार, ओके तो इस तरह से हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ये दिए गए नंबर का 67.5 आ चुका है, दिस इज आवर आंसर, ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, इसी तरह 6 में भी ट्वेंटी 96 सेम प्रक्रिया है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करके, इसका भी 2809 और 4096 निकाल सकते हैं, ठीक है तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक हम करके दिखा दे रहे हैं, चलिए इसका भी निकाल लिया जाए 2809, आइए ग्रुप बनाएंगे पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने में 5 से जाएगा 5 5 जा 25, ओके 3 बचा 09 एंड 5 ये 10 हो जाएगा, कौन सा डिजिट यहाँ पे उतारा जाए तो 3 अगर लिया जाए तो 3 बार जाएगा 309 रिमाइंडर 0, ओके मीन्स ये तो 53 आ गया, अब हमको 4096 का भी निकालना है तो 4096 पेयर बना लीजिए 5 5 6 6 36, 6 बार ले जाएंगे, बचा कितना आपका 496, ओके यहाँ पे 6 आया ये 12 हो गया, अब यहाँ पे कौन सा है 12 की बगल में कौन सा नंबर उतारा जाए 496 आ जाए, आई थिंक 6 लिया जाए अगर तो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 96 तो नहीं आ रहा है, एक सेकेंड नंबर हम मिला लें 4096 आंसर सही है, 4 से भी हो सकता है अगर 4 लिया जाए क्योंकि 6 बार में अधिक हो जाएगा, 4 बार लिया जाए 4 4 जा 16 4 2 जा 8 1 9 यस 4 बार में ले गए हम लोग तो 496, तो हम देख पा रहे हैं इसका स्क्वायर रूट निकाला गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 64 आया, क्या ये
छोटा हो सकता है, नहीं मिनिमाइज नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर आएगा 53/64। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो पार्ट होगा, इसके बाद का क्वेश्चन हम 7 से नेक्स्ट वीडियो में अब जल्दी ही अपलोड कर देंगे। आप लोग इसको जो है फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।